यह खबर आ रही है मथुरा नगरी से। मथुरा के गोवर्धन में मानसी गंगा के किनारे स्थित विश्व प्रसिद्ध बुखार बंद मंदिर में आज मानसी नदी का पानी घुस गया है। पिछले कुछ दिनों से लगातार हो रही बारिश के बाद आज सुबह अचानक ही मानसी गंगा का जलस्तर बढ़ने से मंदिर में भगवान की शिलाएं पानी में डूब गई हैं। मंदिर में पानी भर जाने की वजह से श्रद्धालुओं को मंदिर तक पहुंचने में काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है, लेकिन जिला प्रशासन की तरफ से कोई भी इंतजाम अभी तक नहीं किए गए हैं। मदन हमारे संवाददाता सीधे मथुरा से इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। मदन, जो तस्वीरें हैं, घुटनों तक पानी दिख रहा है, मंदिर पूरी तरह से पानी में डूब चुका है। आखिर ये पानी यहाँ तक पहुंच कैसे गया और प्रशासन ने कोई इंतजाम अभी तक क्यों नहीं किए हैं? मदन सईद, मैं आपको बताना चाहूंगा, ये मानसी गंगा जो है इस मंदिर के किनारे पे ही है और पिछले कई दिनों से लगातार बारिश हो रही है, जिसका पानी बराबर मानसी गंगा में बढ़ रहा था और जिला प्रशासन ने कई बार इससे सूचित भी किया गया था कि इस पानी को रोका गया, लेकिन उनकी तरफ से कोई भी इंतजाम नहीं थे। इस कारण कल शाम से पानी युद्ध स्तर पर बढ़ा और युद्ध स्तर पर बढ़ने के बाद जो मंदिर है, जो भगवान की शिलाएं हैं, वो पूरी तरह से जलमग्न हो गई है और जो दर्शनार्थी दर्शन करने आ रहे हैं उन्हें यहाँ आने में बहुत बड़ी दिक्कत का सामना करना पड़ रहा है। जी, लेकिन ये मंदिर तो पूरी तरह से पानी में डूबा हुआ नजर आ रहा है और इससे काफी मंदिर को नुकसान भी पहुंच सकता है। मदन, क्या मंदिर प्रशासन ने कोई इस बात की शिकायत प्रशासन से की है और ये प्रशासन का जो उदासीन रवैया है ये क्यों देखने को मिल रहा है? मदन देखिए, मंदिर प्रशासन से हमारी बात हुई थी, उन लोगों का कहना ये था कि पिछले कई दिनों से जब पानी बढ़ रहा था तो उन्होंने कई पंप लगा दिए थे, लेकिन कल शाम से पानी जिस स्तर से बढ़ा है तो वो जो पंप 3-4 लगे हुए थे वो भी नाकाफी साबित हुए और पानी इस स्तर पर बढ़ा है कि पूरी तरह से जो मंदिर है पूरा जलमग्न हो गया। जिला प्रशासन के कोई भी अधिकारी मीडिया के मदन आप नजर बनाए रखिए। मदन गोपाल हमारे संवाददाता मथुरा से जानकारी दे रहे थे।